देखो 2022 ये साल टाटा के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है, क्योंकि टाटा की बहुत सारे कारों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, चाहे वो ईवी कार्स हो, चाहे वो सीएनजी कार्स हो, चाहे वो पेट्रोल या फिर डीजल कार्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाटा की एक कार इंडिया की नंबर वन मोस्ट सेलिंग एसवी कार भी बन चुकी है। तो यहाँ पर 2022 ये साल टाटा के नाम रहा है, लेकिन अगले साल टाटा बहुत सारी न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिनमें से 5 SUV कारें होने वाली है, और उन 5 SUV कारों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 5 अपकमिंग एसयूवी कार लॉन्चेस बाय टाटा इन 2023। जो सबसे पहली कार आती है जिसको इंडिया में सीएनजी किट के साथ अगले 1-2 महीनों के अंदर लॉन्च किया जाना है, वो है नेक्सॉन। अब आपको नेक्सॉन के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आज के डेट में नेक्सॉन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के साथ आ जाती है, और इसका ईवी मॉडल काफी ज्यादा बिकता है, यानी ईवी सेगमेंट के अंदर टाटा नेक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। इसके अलावा इस कार का पेट्रोल और डीजल मॉडल भी काफी ज्यादा बिकता है, लेकिन बहुत जल्दी इस कार के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपका माइलेज और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और आज के डेट में टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल में लगभग 16 KMPL से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। अगर आप डीजल इंजन के साथ जाओगे तो वहां पर आपको ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। तो अगर आपको 2023 में एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है और आपको एसवी कार ही लेनी है, तो आप टाटा नेक्सॉन के सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। टाटा कंपनी इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट ऑफर कर सकती है, और इस कार के सीएनजी मॉडल की कीमत लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉडल। और इसको जनवरी या फिर फरवरी के महीने में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद आप नेक्सॉन का सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसने इस साल पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है, वो है टाटा की पंच। आज के डेट में टाटा पंच के अंदर एक नॉर्मल सा पेट्रोल इंजन दिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी टाटा पंच के अंदर आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जिन लोगों को ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, जो ड्राइविंग के मजे लेना चाहते हैं, उनके लिए टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन बहुत जल्दी आने वाला है। और इस इंजन के अलावा आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा पंच के अंदर, और टाटा पंच ईवी भी अगले साल इंडिया में लॉन्च होने वाली है। सबसे पहले टाटा कंपनी इसका सीएनजी मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, और फिलहाल के लिए ये टेस्टिंग फेज में है, और उसके बाद इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद टाटा पंच ईवी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज के डेट में ये टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कारों में आ जाती है। जब टाटा पंच के ये सभी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे, तो डेफिनेटली टाटा पंच टॉप 3 मोस्ट सेलिंग कारों में आराम से आ जाएगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि मोस्ट वेटेड कार है, और इस कार का इंतजार लोग पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, वो है ब्लैकबर्ड। टाटा ब्लैकबर्ड एक मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होने वाली है, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा के साथ, सेल्टोस के साथ, टाइगुन, कुशक, एस्टर के साथ इस कार का मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर टाटा एंट्री करने वाली है, क्योंकि ये वाला जो गैप था ये अभी तक टाटा ने फिलअप नहीं किया था। इस सेगमेंट के ऊपर टाटा हैरियर आती है, और इस सेगमेंट के नीचे टाटा नेक्सॉन आ जाती है। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर टाटा का कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, इस सेगमेंट के अंदर टाटा ब्लैकबर्ड नाम का एक प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने वाली है। और अगले महीने दिल्ली में ऑटो एक्सपो होने वाला है, जहां पर बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को शोकेस करेगी, और कुछ कार कंपनियां अपनी अपकमिंग कारों को लॉन्च भी कर सकती है। तो ये सब कुछ चीजें हमें नेक्स्ट मंथ पता चल जाएंगी, और ये वाला ऑटो एक्सपो मैं कवर करने वाला हूँ, यानी इस ऑटो एक्सपो में जितने भी कारों को लॉन्च किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा, और वो वीडियोस देखने के लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। खैर, टाटा ब्लैकबर्ड टाटा की अपकमिंग मिडसाइज एसयूवी कार होने वाली है, और भाई ये कार आने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचा देगी। इस कार के अंदर आपको नया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और ये इंजन 160 BHP की पावर आउटपुट और लगभग 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेगा, और ये टाटा की तरफ से एक नया इंजन होने वाला है। इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ ब्लैकबर्ड इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है। इसको अगले महीने शोकेस किया जाएगा, और इस कार की कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कार्स आती है, जिनके अंदर आपको काफी बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, वो है टाटा हैरियर का फेसलिफ्ट मॉडल, और दूसरी है टाटा की सफारी। अब दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल इस ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाएगा, उसके बाद दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इन दोनों ही कारों के अंदर जो सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, वो रहेगा पेट्रोल इंजन। हालांकि टाटा फिलहाल के लिए एक न्यू पेट्रोल इंजन के ऊपर काम कर रही है, और इस पेट्रोल इंजन को टाटा ब्लैकबर्ड के अंदर यूज किया जाएगा, हैरियर के अंदर यूज किया जाएगा, और टाटा सफारी के अंदर आपको सेम पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। और आज के डेट में टाटा हैरियर और सफारी के अंदर सिर्फ एक एक डीजल इंजन आता है, तो जिन लोगों को पेट्रोल इंजन लेना है टाटा हैरियर और सफारी के अंदर,
वो लोग थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगले महीने इन दोनों ही कारों को लॉन्च किया जाना है और जो दूसरा मेजर अपडेट इन दोनों कारों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा वो रहेगा एडास टेक्नोलॉजी। आज के डेट में 10 लाख की एमजी एस्टर के अंदर एडास टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक्सयूवी 700 के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी दी जाती है। अब आपको सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टाटा हैरियर और सफारी के फेसली मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं और इंटीरियर को थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है। तो ये 5 कारें थी जिनको टाटा कंपनी आने वाले कुछ महीनों में इंडिया में लॉन्च करेगी। शायद इनके लॉन्चिंग में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये कारें लॉन्च होने के बाद इंडियन मार्केट में तबाही सी मचा देगी। टाटा की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।